सो हेलो माय डियर स्टूडेंट आप सभी का फिर से स्वागत है जस्ट ट्वेल्व क्लासेस में वापस आ चुके हैं बाउंस वर्क कर चुके हैं और फिर से वही एनर्जी के साथ आपकी क्लासेस बैक टू बैक चलेंगे और अगर आप क्लास ट्वेल्थ में हैं और मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिक्स को और ज्यादा आसान बनाने के लिए और ज्यादा पावरफुल और ज्यादा आपके कलरफुल मार्क्स हम लेकर आएंगे इंटरमीडिएट में यानी कि बोर्ड एग्जाम में आपको अगर फोड़ के आना है ज्यादा क्वेश्चन बनाना है बहुत ही परफेक्ट तरीके से क्योंकि YouTube पे कह लीजिए कचरा और कचरा बहुत ज्यादा कचरा फैलता जा रहा है इसमें पहचानना है आपको आपके अपने काम की चीजें जो आपको हेल्प करे आपके एग्जाम में और ऑलरेडी पिछले दो चार क्लासेस मेरे नहीं गए बट उसके बावजूद हम लोग पूरे यूट्यूब पे कह लीजिए पूरे क्लासेस में कह लीजिए सबसे ज्यादा आगे हैं सबसे ज्यादा क्वेश्चंस के साथ एक एक क्वेश्चन एक एक एग्जांपल प्रीवियस ईयर तक के क्वेश्चंस को हमने कर रखा है तो क्या आप हमारे सभी स्टूडेंट तैयार है आज की सेशन के लिए फिर से हम लोग तांडव मचाने वाले हैं कह लीजिए मजा बहुत आएगा क्वेश्चंस की सीरीज आपके लिए है फ्री लाइव क्लासेस शाम को चार बजे डेली आपको चार बजे मेरे द्वारा दी जाती है है ना यस सर तैयार हैं बहुत ही मस्त हैं सर चलो शुक्रिया रेडी है गुड इवनिंग यू हाँ यहां बहुत दिनों बाद आपका चेहरा देखने को मिला है हमें हमारा चेहरा तो आप देख ही ले रहे थे इधर उधर से आपका चेहरा तो हम लोग समय नहीं लेंगे फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग मैथ में हम लोग मैथ में कह लीजिए शुरू से पढ़ रहे थे क्या मैथमेटिक्स को हम लोग चैप्टर नंबर देखो मैथमेटिक्स में टोटल तो तेरह चैप्टर है तो हम लोग चैप्टर वन से लेकर फाइव तक क्या कर चुके हैं अगर आप नहीं पढ़े पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में पढ़ना है आज के बाद क, आ, मंडे से हम लोग चैप्टर सिक्स शुरुआत करने वाले हैं तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर प्रकट होना हाँ ये यूपी बिहार झारखंड सभी के लिए कुछ स्टूडेंट पूछ रहे सर हमारे लिए है या नहीं तो पहला सवाल हम लोग चैप्टर फाइव में शांत तथा अवकलनीयता यानी कि अवकलन करना सीखे थे इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन आपका मेन पार्ट होता है मैथमेटिक्स का बापू है भाई बापू से रिस्पेक्ट से बात करना है आकलन और समाकलन दोनों 45% परसेंट वेटेज है तो पहला सवाल आपके लिए है और सभी सवाल प्रीवियस ईयर के हैं आपके एग्जाम में पूछे गए हैं इस बार भी पूछेंगे तो आपको सोच समझ के आंसर देना है यदि y बराबर एक इक्वेशन दे रखा है तो dy वाई बाई डी क्या होगा चलिए सभी स्टूडेंट आंसर करिए हाँ सर हमारे लिए आप भगवान हैं शुक्रिया इतना बेहतरीन आपने हमें दर्जा दिया और हम अपनी देखो कहा ना एक एक पसीने के एक एक बुंद को आपके लिए और अगर जो स्टूडेंट मेहनत से पढ़ लिया वो आगे नहीं बहुत आगे रहेगा बहुत ही ज्यादा आगे ठीक है मैं आपके चैट को देख पा रहा हूं ठीक है यस yes, सर चलो आंसर भी आना स्टार्ट हो गया कुछ स्टूडेंट का कि यस सर इस सवाल का जो राइट right आंसर है देखो ये अंडर रूट में है ध्यान देना ऐसा सवाल आपको दो बार आया है मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आए हैं अंडर रूट पहले हटाना अंडर रूट हटाने के लिए दोनों साइड आपको वर्ग करना पड़ेगा स्क्वायर करना पड़ेगा अब आंसर कीजिए हाँ मैं आपके चैट को बिल्कुल पढ़ूंगा और हाँ यस सर जी ठीक है हो जाएगा बहुत ही आसानी से कर पाओगे अब मेरी बात सुनो आपको टाइम जितना देना था मैंने दे दिया सर आता है टाइम तो दीजिए निहाल पांडे देखो फेवरेट में से एक स्टूडेंट है उज्जवल है मिशन एनडीए और, और केशव देखो डेली रेगुलर हमारा स्टूडेंट है ये सौरभ है अच्छा अंशु कुमारी जुड़ी हुई हो अंशु चलो अंशु और क्या है एक और दो तीन बच्चे और हमारे जो और कौन गया कुछ <laughs> हाँ ये एम पी बोर्ड के लिए भी है बिहार के लिए भी है यूपी के लिए भी है गाइस देखो तो इसका सोल्यूशन देखते हैं अब रुक जाओ यहाँ पे वाई बराबर क्या दे रखा है चलो वाई बराबर दे रखा है अंडर रूट में अंडर रूट में कॉस एक्स और प्लस अंडर रूट में कॉस एक्स प्लस अंडर रूट में कॉस एक्स प्लस अंडर रूट में कॉस एक्स ऐसे अंडर रूट में आता जा रहा है कॉस एक्स प्लस अंडर रूट में कॉस एक्स कब तक इन्फिनेटिव टाइम्स तक कहाँ तक इन्फिनेटिव टाइम्स तक तो हमने कहा भाई साहब आप इसका वर्ग कर दो क्या करो दोनों पक्षों का वर्ग करो है ना दोनों पक्षों का वर्ग करने पे ठीक है वर्ग करेंगे इधर y है तो y स्क्वायर हो जाएगा देखो इसका वर्ग करेंगे तो एक ये रूट पूरा है है ना ये रूट पूरा है तो एक रूट वर्ग करने पे हट जाता है यानी कि केवल cos x बचेगा जबकि ये सब रूट रहेगा क्या ये सब रूट यहां से लेकर यहां तक के रूट रहेंगे और ये cos x cos x cos x ऑलरेडी इसकी वैल्यू y है तो ये y हो जाएगा समझ में आई बात बोलो यहां तक सभी स्टूडेंट को समझ में आया कि क्यों हमने y लिखा क्योंकि ऑलरेडी ये संख्या फिर से रिपीट होती जाएगी तो जो कि y के बराबर ही है तो हमने y रख दिया हाँ सर यहां तक क्लियर है अब इसका अवकलन कर दो x के सापेक्ष अवकलन करने पे लिख दो x के सापेक्ष अवकलन करने पे है ना देखो बहुत ही खूबसूरत है आपके पास अवकलन करने पर है ना तो एक्स के सापेक्ष अवकलन वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा टू वाई डी वाई बाई डी एक्स कॉस एक्स का होता है माइनस में साइन एक्स वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स यहां तक क्लियर है बोलो यहां तक क्लियर है ना यस अगर क्लियर है तो आगे का कार्यक्रम शुरू करते हैं अब देखो वाई बाई एक्स यहां पर भी है यहां पे भी है इसको एक तरफ लेकर आओ तो टू वाई और डीवाई बाई डी एक्स है इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा यहाँ पे बचा है माइनस में साइन एक्स या फिर इसको उधर भेज दो इसको इधर भेज दो बात कोई दिक्कत नहीं है माइनस में साइन एक्स बचा हुआ है ध्यान देना इन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे क्या डी वाई बाई डी एक्स हम कॉमन लेंगे क्या बचेगा टू वाई माइनस में वन क्या बचेगा टू वाई माइनस में वन बचेगा आपको हाँ टू वाई माइनस में वन यहाँ पे क्या बचा माइनस में साइन एक्स आपको क्या चाहिए था आपको चाहिए था सर आपको चाहिए था dy वाई बाई डी एक्स का मान क्या dy बाई डी एक्स का मान है ना तो हो गया इसको नीचे भेज दो dy dy बराबर आपका आंसर आ गया कितना इसको इसके नीचे भेज देंगे तो माइनस में साइन एक्स अपॉन में टू वाई माइनस में वन ये आपका हो जाएगा आंसर बट इस आंसर को ना लिख के एक और खूबसूरत आंसर आप लिखेंगे इस तरीके से कैसे इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो ये साइन एक्स हो जाएगा पॉजिटिव में नीचे क्या है टू वाई माइनस है तो माइनस कॉमन लेंगे तो वन माइनस टू वाई हो जाएगा ये अब आपका बुक का हो गया आपके बुक में इस हिसाब से मिलेगा एन सी आर टी का ये सवाल है तो बोलो क्या समझ पाए हो किन्हें समझ में आया इतने स्टूडेंट देख रहे हैं जस्ट आप चैट सेक्शन में हमें बता दीजिए कि हाँ सर मामला सेट है समझ पाए हैं केशव सही है आकाश आदित्य शिव कुमार तैमूर पुष्पाज अच्छा पुष्पाज आ चुका है बहुत अच्छा वेलकम है पुष्पा हाँ आ, टू वाई कैसे आया हाँ इन्होंने कहा कि सर टू वाई कैसे आया देखो वाई स, आ, ओके 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 देखो यहाँ पे वाई स्क्वायर का हमने अवकलन किया तो पावर पहले आता है पावर से एक कम होता है पावर से एक कम होता है यही होता है तो टू पावर में से सेक कम कर दे दो में से एक करेंगे तो केवल y बचेगा और y का है तो डीवाई बाई डी जरूर लगाएंगे जहां पे भी y रहेगा वहां पर डीवाई बाई डी लगाते हैं तो इस तरीके से आया है क्लियर है अच्छे से समझ पाए देखो हमने क्या बोला अभी जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करते जाओगे आपको मजा बहुत आएगा क्योंकि क्वेश्चंस केवल इंपॉर्टेंट हैं और पूरा का पूरा आज आपका रिवीजन हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन एक्स के पावर में ऐसे सवाल दो आपने साइन एक्स का किया होगा कॉस एक्स का किया होगा साइन के पावर में कॉस है एक्स के सापेक्ष पे कीजिए है ना चलो ऐसे सवाल मैंने बताए थे ठीक है चलो सब लोग आंसर करो जितने भी हमारे बेहतरीन स्टूडेंट हैं आंसर करेंगे यस सर क्लियर है शिवम विलेन्द्र तैमूर हाँ देखो मामला सेट है अच्छा निहाल तुम्हारा ही डायलॉग है ना मामला सेट है तो इसको भी करके बताओ दोनों साइड लॉग लेके करना है ना दोनों साइड लॉग लेके ऐसे सवालों को हमेशा लॉग लेके करते हैं जब पावर वाले हो इसको बोलते हैं चार घात एक्सपोनेंशियल टाइप का ये है है ना बहुत अच्छा हाँ कर पाएंगे सर बिल्कुल करना ही है और आपको ही करना है यस यस ये देखो कुछ स्टूडेंट हैं मैथाफी पढ़ाओ हमें हमेशा प्लीज राधे राधे अच्छा रघुवेंद्र कैसे हो इसका डायलॉग से समझ गए है ना तीन साल से हमसे जुड़ा हुआ है रघुवेंद्र पॉलिटेक्निक के साथ ही मैं वस्तु रघुवेंद्र आप लोग कैसे हैं आई होप आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे होंगे है ना यस yes. ठीक है यस yes. सर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कुछ कीजिए शिवानी शिवानी देखो मैंने आपको टाइम दिया इंग्लिश मीडियम के हो या हिंदी मीडियम को हो ये तो खैर अलग क्वेश्चंस है जब मैं आप सबको बताता हूँ तो उस टाइम में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी ये हमेशा से मैंने प्रयास किया है देखो ये सवाल है और चूंकि मैं बता चुका हूं तो इसलिए आपको और ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी है ना वाई बराबर दे रखा है देखो अब पहले रुक जाओ कुछ समय के लिए सुनो टीचर्स को तभी समझ में आ पाएगा है ना पहली बार जो स्टूडेंट जुड़े हैं आपको कैसे पता चलेगा कि मजा आ रहा है कि नहीं पांच से दस मिनट तो देना पड़ेगा ना दो चार सवाल करेंगे तब समझ में आएगा हम दोनों साइड लॉग लेते हैं तो इधर हो गया लॉग वाई इधर लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग और लॉग साइन एक्स के पावर में कह लीजिए लॉग साइन एक्स के पावर में कॉस एक्स है ना कॉस एक्स हो गया हमने आपको सिखाया था कि पावर वाली चीजें पहले आती हैं तो पावर को पहले भेज दीजिए तो ये हो जाएगा कह लीजिए लॉग वाई बराबर पावर पहले यानी कि कॉस एक्स पहले है ना और यहां पे क्या बचा लॉग साइन एक्स क्या बचा लॉग साइन एक्स लॉग साइन एक्स अच्छा अब कैसे करेंगे सर मेरी बातों का ध्यान से देखना दो पक्ष हैं ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है तो दो जब दो वेरिएबल आ जाए तो उसका अवकलन करते देखो log y का पहले हो जाएगा वन बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इसका मामला सेट है इसको अब छोड़ दो नो चेंजिंग इसका होता है पहला देखो मैं यहां पे लिख भी दे रहा हूं फर्स्ट फंक्शन इन टू सेकेंड फंक्शन जब इनका अवकलन करना होता है तो ये होता है जब इनका अवकलन डी बाई डी एक्स हम लोग निकालते हैं जो नए स्टूडेंट होंगे ध्यान देंगे फर्स्ट सेकेंड का अवकलन यानी कि डी बाई डीएक्स ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड सेकेंड टर्म यानी कि सेकेंड टर्म क्या है जो भी होगा डी बाई dx ऑफ फर्स्ट टर्म ये याद रखना हमेशा आपका बहुत काम करेगा दो फंक्शन जब आ जाए जा, जैसे पहला दूसरा आ जाए तो पहला लिखेंगे दूसरे का अवकलन करेंगे प्लस दूसरा लिखेंगे पहले का अवकलन करेंगे मामला सेट है क्लियर है यस अब देखो बस कर दो तो पहला क्या है कॉस एक्स कॉस एक्स अवकलन किसका करेंगे दूसरे पद का दूसरा पद क्या है साइन एक्स है प्लस दूसरा पद यानी कि लॉग साइन एक्स क्या लॉग साइन एक्स औकलन किसका करेंगे पहले का यानी पहला पद क्या है कॉश एक्स बस आ गया आंसर देखो यहां से डीवाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो गया वाई को इधर भेज दो तो वाई इधर आ गया ये कॉश एक्स वैसे ही है साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो साइन एक्स का है ना अच्छा लॉग साइन एक्स माई मिस्टेक यहाँ पे पहला दो लॉग में इसके साथ लॉग जुड़ा हुआ है ना इसके साथ लॉग जुड़ा, जुड़ा हुआ तो हम इसको इरेज कर देते हैं पे है क्या है लॉग साइन एक्स है है ना ये दूसरा पद ये पूरा है तो पहला दूसरे का अवकलन क्या दूसरे लॉग के साथ लॉग एक्स का होता है वन बाई एक्स यानी कि वन बाई साइन एक्स है ना ध्यान से फिर से देखो रुक जाओ कुछ भी मिस्टेक मत करना नहीं तो बहुत ही ज्यादा आप तो खतरे में हो

एक्स कॉन्स्टेंट है बाहर रहेगा कॉस एक्स का करेंगे तो माइनस में साइन एक्स हो जाएगा हो गया आपका आंसर देखो अब फाइनल आंसर लिखो वाई बाई डी एक्स बराबर वाई की वैल्यू क्या माने थे वाई की वैल्यू रखो वाई की वैल्यू क्या था वाई की वैल्यू साइन एक्स के पावर में कॉस एक्स था साइन एक्स के पावर में कॉस एक्स था रहने दो कॉस एक्स बटे साइन एक्स कितना हो जाएगा टेन एक्स है ना देखो कॉस एक्स बटे साइन एक्स है ना तो कितना कॉस का कॉस बटे साइन कॉट हो जाएगा यानी कि कॉस एक्स ये है ही कॉस बटे साइन कॉट होता है तो कॉट एक्स लिखेंगे कॉट एक्स लिखेंगे ये माइनस पहले लगा दो माइनस हो गया साइन एक्स और लॉग साइन एक्स ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर बोलो कि कहीं पे भी एक भी पॉइंट अगर गाइस आपको दिक्कत किया हो नहीं आ रहा हो तो पूछ सकना है ना बिल्कुल पूछना बहुत ही खूबसूरती से क्वेश्चंस को नजाकत के साथ हम लोगों ने सॉल्व किया ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए बोलिए है ना गर्मी बहुत है हाँ सर आपसे पढ़ना है समाकलन कब से पढ़ाओगे समाकलन स्टार्ट होगा रघु भाई सर मैं आपके नंबर पर लास्ट दो मंथ से कॉल कर रहा हूं बात आपसे कभी बात नहीं हुई वो नंबर अब हमारे पास नहीं है रघुवेंद्र, वो नंबर चला गया है जस्टवेल क्लासेस के पास है ना? तो इस वजह से नहीं हो पाया होगा क्लियर है सर मामला स्ट्रिक्ट है यस सर यस सर सबने कहा सर मामला सेट है अगला सवाल लाए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है और डेली पढ़ो डेली का मतलब डेली अब ये सवाल सिद्ध करना है ग्यारह सोलह अठारह अगली बार आपके एग्जाम में प्रकट होने वाला है खूबसूरत चेहरा है क्वेश्चंस का इसका आप सोल्यूशन करके आंसर बताओ क्या होगा है ना क्या होगा बिल्कुल बता पाओगे मुझे विश्वास है नेक्स्ट क्वेश्चन चलो शिवम बताओ सर टीसी निकालिए डीसी निकालिए हमें भी क्लियर नहीं है एक बार तुम्हें पता है तो बताओ हमें भी हमारे लिए तो नया है बिल्कुल उसी के जैसा है इसके पहले जो सवाल करवाए थे हाँ आप में से बहुत सारे कुछ स्टूडेंट तेज भी हैं तेज नहीं बहुत सुपर है एकदम कह एकेडमी और जस्ट क्लासेस पे कुछ स्टूडेंट एकदम हीरा है हीरा गोल्डन है सेम जैसे पहले किए थे देखो y बराबर क्या गिवेन है अंडर रूट में साइन एक्स प्लस अंडर रूट में साइन एक्स प्लस अंडर रूट में साइन एक्स ये डैश 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 इन्फिनिटी तक जाएगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पे क्या मैं यहां पे लिख दू वर्ग करने पर तो दोनों साइड का वर्ग करते तरीके से करना इस क्वेश्चंस को इतनी खूबसूरती से कहेंगे ये कहेगा भाई साहब हम आपके लिए ही थे आपके स्टूडेंट के लिए थे आपका आंसर आ गया तो आप कर पाओगे बहुत ही आसानी से कर पाओगे है ना कहा गया मैनेजर चलो तुम लोग करो કરો 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 બસ જસ્ટ વન મિનિટ चलो कोई बात नहीं देखो मेरी बातों का ध्यान देना यहां पे नोटिफिकेशन सेंड करवाइए मैनेजर साहब से कहा आया नहीं है चलो दोनों पक्षों का वर्क करते हैं तो ये हो गया वाई का वाई स्क्वायर हो गया ना वाई स्क्वायर हो गया वर करेंगे तो करड़ी हट जाएगी यानी कि ये हो गया साइन एक्स अब ये सब करणी रहता रहेगा यानी कि ये सब एक ही हटेगा ना यहाँ से तो वही है साइन एक्स प्लस अंडर रहेगा और इस पूरे की वैल्यू वाई के बराबर है देख लो यानी कि ये इस पूरे के जगह पे वाई रख सकते हैं तो वाई स्क्वायर बराबर क्या हो गया साइन एक्स प्लस वाई ये हो गया सर अब आपको इसका अवकलन करना है इसको आप जानते हो करना और कर भी दोगे मुझे विश्वास है Y का टू वाई 2y बाई डी एक्स अब समझ में आ गया ना कैसे हमने लिखा साइन एक्स का होता है cos x. अब y का हो जाएगा dy by dx. है ना हम क्या करते हैं इसी को सॉल्व कर देते हैं चलो थोड़ा सा मैं पेज को अप करूंगा ध्यान देना कि टू वाई डी वाई बाई डी एक्स जस का तस है डी वाई बाई डी एक्स इधर लेकर आते हैं डी वाई बाई डी एक्स इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा कॉस एक्स देखो दोनों में से कॉमन क्या है डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो क्या बचेगा ये बचेगा है ना यहां पे कॉस एक्स बात समझ में आई आप कहोगे सर इसको नीचे भेजने का तकलीफ कीजिए तो हम कहेंगे ठीक है यानी कि डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया आपका आंसर कॉस एक्स बटे में टू माइनस में वन आई बात समझ में बोलो आई तो हाँ में आंसर दो हाँ में आंसर दे दो मेरे स्मार्ट स्टूडेंट कि हाँ सर आई बात समझ में मामला क्लियर है शेठ है सर कल क्लास लीजिए प्लीज अब देखो मैं फॉर्म में आ, आ चुका हूँ आपके लिए नई सेटअप करा रहे थे थोड़ा सा दो तीन दिन चार दिन उसमें गया तो काम काफी ज्यादा था इसलिए मैं लाइव नहीं आ पा रहा था आप चलेंगे कौन सा चैप्टर है ये मैथ में चैप्टर नंबर फाइव और फाइव का चल रहा है प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल ग्यारह में सोलह में ये सवाल देख रहे हो पूछा गया है भाई साहब इसको हल्के में कैसे ले रहे हो सोलह में आया है अठारह में आया है ग्यारह में आया है तीन बार ये पूछा गया है तीन बार ये आसान हमने कहा देखो आप पहली बार हो मैं कोई गारंटी नहीं लूंगा आपको समझ में आए या ना आए जो स्टूडेंट पढ़ा हुआ है क्योंकि प्रीवियस ईयर ऐसे नहीं सॉल्व करते हैं हमने आपको पढ़ाया एक एक सवाल बताया सिखाया है आपको वेल तरीके से कराया है है ना आपके पीछे हमने इतनी मेहनत की है आपको लगता है कि चीजें इतनी आसानी से ऐसे हो जा रही है अभी से भी जोश सीरियस है अगर अब आपके लिए तो गोल्डन टॉपिक है नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है 6, वहां से रहेंगे, एक भी चीज छूटना नहीं चाहिए तो मजा भी आएगा आपको पढ़ने का मन भी करेगा देखो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई बराबर एक्स माइनस वन लॉग एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन लॉग एक्स प्लस वन दो हजार बीस का ये पूछा गया सवाल है चलो एक बार अपने ईमानदारी से सॉल्व करके बता दो क्या होगा सभी स्टूडेंट है ना बहुत ही खूबसूरत सवाल है सर अब छ पर छ मारेंगे अच्छा छः पर छः मारोगे गुड ऐसे ही स्टूडेंट की हमें नीड रहती है सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते जब मिशन एन है बहुत अच्छा पुराना चेला है मस्त पढ़ता है नेवी लवर सर जी पॉलिटेक्निक के बाद ट्वेल्थ वालों पे ध्यान दे रहे हैं ना हाँ पॉलिटेक्न की बात ट्वेल्थ वालों को जबरदस्त पढ़ाएंगे ग्रेट सर कितना नंबर का है ये सवाल मुश्किल से चार तीन या चार नंबर का आएगा उससे ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा लॉन्ग सवाल नहीं है शॉर्ट क्वेश्चन है देखो अब मेरी बात रुक जाओ आप नए हो कोई बात नहीं हम आपके साथ हैं देखो वाई बराबर क्या दे रखा है एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वन लॉग एक्स माइनस वन है ना दूसरे माइनस लगा के अलग है एक्स प्लस वन लॉग अब रुक जाओ पेन कॉपी को रुक जाओ दिमाग को बस चालू रखने दो देखो ये अलग है ये अलग है मैं कहूं कि आपका ये फर्स्ट टर्म है ये सेकेंड टर्म है इतना अलग है और माइनस लगा के इतना अलग है यानी इसमें ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है बात समझ में आ गई तो जैसे अभी फार्मूला लिखवाया हूं ना पहला दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा पहले का अवकलन वही सीन करना है यानी कि अवकलन करते हैं तो डीवाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा पहला दूसरे का अवकलन यानी कि डी बाई एक्स आप इसका एक्स माइनस वन का प्लस दूसरा यानी कि x माइनस वन पहले का यानी अवकुलिस एक्स माइनस वन ये हो गया सर इधर का पट माइनस है तो माइनस लगा दो अब इधर वाले को सॉल्व करो तो उसमें भी वही पहला दूसरे का अवकलन यानी दूसरा टर्म क्या है लॉग एक्स प्लस वन प्लस दूसरा दूसरा यानी कि एक्स प्लस वन पहले का अवकलन पहला क्या है एक्स प्लस वन यानी कि बहुत खूबसूरत से करना देखो माइनस था तो माइनस लगाए ये अलग ये अलग ठीक है अब आपका आंसर के लिए तैयार हो जाओ देखो कैसे ये तो एक्स माइनस वन बाहर ही रहेगा ना एक्स माइनस वन का अवकलन करेंगे तो एक्स का वन आएगा वहाँ माइनस वन का जीरो हो जाएगा यानी कि वन हो गया ठीक है प्लस लॉग एक्स माइनस वन वैसे ही है एक्स माइनस वन वैसे ही है एक्स माइनस वन का फिर से करेंगे है ना फर्स्ट अच्छा एक सेकेंड रुक जाओ फर्स्ट डी डी ए सब सेकेंड यहाँ पे थोड़ा सा एक एरर है तो उसको पहले दूर करने दो है ना देखो तरीका समझो देखो ध्यान से पहला दूसरे का उपकरण दूसरा log x माइनस वन है क्या log x माइनस वन है तो हम यहाँ पे log x माइनस वन रखेंगे ठीक है दूसरा टर्म ये था ना अब करो अब सही है आप तो फर्स्ट log x का होता है वन बाई एक्स यानी कि वन बाई एक्स की जगह पे x माइनस वन है अब x माइनस वन का करेंगे तो वन आएगा उसे हम नहीं लिखेंगे प्लस लॉग एक्स माइनस वन वैसे ही है एकदम क्लियरिटी रखना नहीं कंफ्यूजन हो जाएगा एक्स माइनस वन का अवकलन करेंगे एक्स माइनस वन का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा केवल और केवल वन हो जाएगा इसी तरीके से इधर वाले को भी करो है ना इधर वाले को भी करो देखो आंसर आपके सामने है बस आप खोज लो इसी लाइन में आंसर है लॉग एक्स का होता है वन बाई एक्स यानी कि ये, अगर ये एक्स रहता तो लॉग एक्स का वन बाई एक्स इसको वन बाई में लिख दो वन बाई एक्स प्लस वन और एक्स प्लस वन का करेंगे तो वन आएगा छोड़ दो मत लिखो वन को लिखने का मतलब नहीं है Log, है रहने दो एक्स प्लस वन का करेंगे तो वन ही आएगा ये सर हो गया देखो आपके सामने ही आपका आंसर धूम मचा रहा है एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन धूम मचा दिया एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन धूम मचा दिया यहाँ पे क्या बचा यहाँ पे बचा वन यहाँ पे क्या बचा वन यहाँ पे क्या बचा यहाँ पे बचा लॉग एक्स माइनस वन अच्छा ये ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पे बचा है वन वन बाहर आएगा तो माइनस वन हो जाएगा यहाँ पे बचा है लॉग एक्स प्लस वन ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस में हो जाएगा लॉग एक्स प्लस वन हो जाएगा आप कहोगे हाँ सर देखो ये ये जो है पॉजिटिव वन है और ये नेगेटिव वन है कट जाएगा आप कहोगे हाँ सर कट जाएगा कोई भी तकलीफ नहीं है यहां पे क्या बचा लॉग एक्स माइनस वन और माइनस लॉग एक्स प्लस वन आप कहोगे सर लॉग एम अगर ये एम रहता और ये एन रहता तो लॉग एम माइनस लॉग एन का फार्मूला होता है लॉग एम बटा एन याद है ना तो कहोगे लॉग एम बटा एन यानि की लॉग एम के जगह क्या है एक्स माइनस वन एम बटा एन एन के जगह क्या है एक्स प्लस कहलाएगा और यही है आपका dy by dx. देखो इंपॉर्टेंट मतलब ही होता है इसका अंदाजा आपको खुद ही लग रहा होगा कि हाँ सर सच में क्वेश्चन देखो हम लोग पावरफुल क्वेश्चन करते हैं और वैसे ही क्वेश्चन ज्यादा बनाते हैं जो आपके एग्जाम में आपको काम करें अब, अब आप में से कितने स्टूडेंट को समझ में आया है अगर समझ में आया है तो हमें अभी के अभी चैट चैट सेक्शन सेक्शन में, में है ना अभी के अभी के मुस्कुराता हुआ अपना पॉजिटिव वाला एनर्जी हमारे पास जरूर भेजेंगे है ना पॉजिटिव वाला एनर्जी जरूर भेजेंगे ठीक है मुस्कुराता हैप्पीनेस वाला बिल्कुल <laughs> बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए एकदम ताकि हमारे पास पॉजिटिव एनर्जी आए आपको मैं और करा पाऊं है ना उमा शंकर आप बहुत अच्छे टीचर हैं शुक्रिया धन्यवाद सर जी मेरा आंसर लॉग एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन है निहाल ग्रेट है सही आंसर है यस देखो अब देखो हिमांशु पुष्पाज सबका इमोजीज आने लगा दिल गार्डन गार्डन होने लगा मेरा है ना दिल गार्डन हिमांशु मोटिवेशन एम डी एनडीए नीरज सबका शिवम हाँ अंशु कुमारी <laughs> अंशु अकेले है क्या अदिति सर बिहार पॉलिटेक्निक में इस बार कट ऑफ कितना जाएगा अदिति तुम पॉलिटेक्निक के हो कि ट्वेल्थ की अभी ये ट्वेल्थ का चल रहा है तो ट्वेल्थ का बताएंगे पॉलिटेक्निक वाले सुबह सात बजे y बराबर दे रखा है, एक्सपोनेंस x के पावर में साइन x, dy by dx, आप में से कितने स्टूडेंट बता पाएंगे? अब देखना ये है, चलियो, चलियो जरा हमें बता दियो, अब तुरंत एकदम गर्दा मजा के सवाल को बताना है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, आपको जब तक जीत के नहीं आना है, तब तक आगे बढ़ते रहना है क्या रहा है मैं न्यूज स्टूडेंट हूँ गौरव न्यूज अच्छा जितने भी नए स्टूडेंट हैं डेली शाम को चार बजे जस्टल क्लासेस पे आपका स्वागत है है ना पुष्पा झुकेगा नहीं और आपकी क्लास अब आप रुकेगा नहीं पढ़ाई का मतलब ही अब आपको एक एक क्वेश्चंस में बनाना है चलो आंसर कर दिए मेरे स्मार्ट स्टूडेंट अदिति कह रही सर पॉलिटेक्निक की हूं सर आप मॉर्निंग में, में मेरा कमेंट देखते ही नहीं इसलिए तो अभी पूछ रही हूं कट ऑफ ढाई सौ नंबर रखो दो सौ पचास कॉस एक्स कॉस एक्स और कॉस एक्स सबने कहा सर जी इसका जो आंसर है वो कॉस एक्स आएगा जो कि गलत जवाब है आपको लगा कि आपने सही किया बट किया नहीं है ना आपने किया नहीं हमने कहा एक्सपोनेंशियल यानी कि लॉग लेके करो होगे, तभी सही आया होगा है ना हेमंत पासी प्रयागराज से चैप्टर नंबर फाइव देख के ही लग रहा है अवकलन है डीवाई बाई डीएक्स माई डियर स्टूडेंट अब देखो रुक जाओ हमें पता है आपको मजा आ रहा है और, और नए सवाल चाहते हैं अब रुको आपको मैं टाइम जान के देता हूं कि आप चीजों को करो है ना अब देखो लॉग एक्स के पावर में साइन एक्स है हम क्या करते हैं दोनों तरफ लॉग लेते हैं है ना यहां पे लिख दो दोनों पक्षों में लॉग लेने पर ठीक है लॉग ले लो और क्या तो ये वाई का हो जाएगा लॉग वाई ये हो जाएगा लॉग एक्स के पावर में साइन एक्स है ना साइन एक्स आपको पता है पावर वाली चीजें पहले आती है तो इसको वैसे ही लिखो यानी कि इसी लाइन में कर दे क्या है? पावर पहले आ जाएगा यानी कि साइन एक्स पहले आ जाएगा और लॉग एक्स हो जाएगा अब ये हो गया दो फंक्शन पहला फंक्शन है साइन एक्स का दूसरा लॉग एक्स का दो फंक्शन का अवकलन करना आपको आता है यानी कि अवकलन करते हैं लॉग वाई का हो जाएगा वन बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर पहला टर्म दूसरे का अवकलन यानी डी बाई डी एक्स आप दूसरे टर्म का प्लस दूसरा टर्म पहले का अवकलन यानी कि डी बाई डी एक्स आप साइन एक्स बात समझ में आई अब सोल्व कर दो एंसर वाई को उधर भेज दो यानी कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई यहाँ पे आ गया ये है साइन एक्स लॉग एक्स का हो जाएगा वन बाई एक्स ये है लॉग एक्स और साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स ये आपका आंसर देखो आपका आंसर आपके खाते में वाई डी वाई बाई डी एक्स आ गया आपका कितना आया वाई की वैल्यू क्या थी वाई uh, की वैल्यू एक बार देख लीजिए एक्स के पावर साइन एक्स तो यहाँ पर रख दीजिए एक्स के पावर में साइन एक्स और यहाँ पे साइन एक्स बाई एक्स है यानी कि वन बाई एक्स साइन एक्स और लॉग में कॉस एक्स बस इतना ही रहने दो ज्यादा करने की जरूरत नहीं है बोलो, अगर समझ में आ गया, तो चैट सेक्शन में यसर समझ में आ गया अब की बार ट्वेल्थ को पार करके आना है और मुझे पता है ट्वेल्थ की स्थिति काफी नाजुक होती है यहां बच्चे पैसे देने के लिए तैयार रहते हैं उनको बढ़िया टीचर नहीं मिलते हैं हजारों रुपए वो तैयार हैं कि सर पढ़ा दो बढ़िया से पूरे ईयर यही आपकी मेहरबानी होगी हो नहीं पाता है दुख की बात है देखो या तो आपको अच्छे टीचर ना मिले हो या तो आप खोज ना पाए हों तो आप अपने लिए एक बेस्ट टीचर खोज लो जिनकी फ्रीक्वेंसी आपको समझ में आए जिनकी बताई गई चीजें आपको समझ में आए जिनके लैंग्वेज आपको समझ में आए और समझ में आ जाए तो खोजो दो चार दस वीडियो देखोगे सच में ये हमारे लिए बेस्ट हो जाएगा कि नहीं अगर एक बार चेक कर लिए आजमा लिए सारी चीजें कर लिए बस पढ़ना चालू कर दो पूरे ईयर इसी तरह मत बर्बाद करो हमने कहा था जो दिसंबर में लोग करना शुरू करते हैं हम साथ ही साथ करते हैं हमने अभी चैप्टर नंबर सिक्स किया कंप्लीट एक वीडियो दिया अरे पांचवा पे दूसरा दिया तीसरा वीडियो प्रीवियस ईयर का दे रहे हैं और अगर आप चाहते हो कि नहीं सर हमें क्लास ट्वेल्थ की पूरी तैयारी करनी है है ना अभी तो बहुत क्वेश्चंस करेंगे अगर आप चाहते हो कि सर हमें क्लास ट्वेल्थ की सभी सब्जेक्ट की पूरी तैयारी करनी है देखो तो हम आपको पूरा मैथ पढ़ा देंगे ये हमारी जिम्मेदारी है और पूरी तैयारी और मात्र और मात्र रुपीस टू नाइनटी नाइन में यानी कि मात्र दो सौ हाँ भाई हाँ केवल दो सौ रुपये क्या केवल दो सौ निन्यानवे रुपये क्यों भाई हमारा पेन कहाँ चला गया हमारा पेन कहां चला गया? ठीक है, है। अब सही है. केवल कहा केवल सौ निन्यानबे रुपए में ऑल सब्जेक्ट सभी सब्जेक्ट मैथ तो मैं खुद पढ़ाऊंगा ऑल सब्जेक्ट और प्लस वन ईयर वैलिडिटी के साथ यानी कि आपको वन ईयर इसकी वैलिडिटी मिलेगी समझ में आई डबल प्रॉफिट अच्छा सर कैसे ज्वाइन करेंगे जिन्हें ज्वाइन करना है और अच्छा मौका चल रहा है डाउनलोड करेंगे जस्ट वेल क्लासेस का मोबाइल ऐप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा आपको देखो हम इस पर ज्यादा ये प्रचार नहीं है कि सर प्रचार कर रहे हो ये आपके आपको मालूम है ना आपके जैसे हजारों स्टूडेंट को नहीं पता है उनके लिए है आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं कॉल कर सकते हैं तिरासी अठारह बयालीस पंद्रह तिरासी पे और हमें बोलिए कि सर हमें आपके यहाँ क्लास ज्वाइन करना है हमें आपकी क्लासेस पसंद आती है और जो गरीब स्टूडेंट है वही पढ़ेंगे क्योंकि जिनके पास पैसा है वो तो मान लो दूसरे जगह पढ़ लेंगे बट इतना सब कुछ पूरे और आपको हर संडे का टेस्ट प्रीवियस ईयर का पेपर मॉडल पेपर क्रैश कोर्सेज सब कुछ हम लोग करेंगे कि आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा आपको बहुत ही मजा आएगा चीजें आपके लिए हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन मिलना है किसी से ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है <laughs> कोई नहीं पानी देने आए थे तो हमें लगा कौन अननोन पर्सन आ गया जैसे आरो का पानी पहुंचाने आते हैं ना तो वो देखने लगे सर जी पढ़ा रहे तो हम के कौन आ गया <laughs> हम पहचान नहीं रहे कौन आ गया तो हम उसका किसी से मिलना होगा तो हम के ऑफिस में जाओ अंदर है ना खिड़की खुला था तो देख गया होगा उज्जवल करा सर मुझे समझ में नहीं आ रहा सर जी महा महारत्न क्लास महाराथन क्लास लीजिए प्लीज दो घंटे की क्लास हम महराथन भी चलेंगी है ना ठीक है चलो इसका आंसर करो इस सवाल का आंसर करो कर पाओगे अंश और हर मैं देखो तो फार्मूला बता दे रहा हूं तुमको जब भी कभी आपको फर्स्ट फंक्शन अपॉन में सेकेंड फंक्शन का डी बाई डी एक्स निकालना यानी अवकलन करना हो तो ये होता है अंश और हर वाला यानी कि नीचे का सेकेंड टर्म्स का हर का स्क्वायर सेकेंड टर्म लिखते हैं अवकलन करते हैं फर्स्ट टर्म का माइनस सेकेंड टर्म लिख, फर्स्ट uh, टर्म लिखते हैं अवकलन करते हैं फर्स्ट टर्म का ये होता है लिख लो अंश और हर तो हर का स्क्वायर हर अंश का अवकलन, यानी डीवाई डी एक्स का फर्स्ट टर्म समझ में आई बात लिख लो अब करने की कोशिश करो समझदारी से करेंगे आपके लिए बेस्ट मौका है प्रैक्टिस करने का क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तगड़ा सवाल है ऑलरेडी आपके पास करने के मौके दिए गए हैं सभी लोग को करना है जनरल रैंक ग्रुप के फाइव तुम लोग यहां पे भी ढूंढते ढूंढते आए गए ना अरे भाई रेशवा एकेडमी में क्लासेस लूंगा रुक जाओ ये जस्टवेल है है ना मिल जाएगा तुमको कहा परेशान हो किसी का बाउंस कर रहा है क्या अब रुक जाओ धैर्य रखो मेरी बातों को ध्यान दो देखो ऐसे सवाल को करने का सबसे आसान तरीका वाई बराबर क्या दिया है e के पावर एक्स प्लस e के पावर में माइनस एक्स अपॉन में e के पावर एक्स माइनस में e के पावर में माइनस एक्स दिया है ये नीचे है ऊपर तो इसका अवकलन करेंगे dy बाई डी एक्स तो सबसे पहले नीचे क्या होता है हर का स्क्वायर नीचे क्या है ये संख्या तो इसका करेंगे स्क्वायर यानी कि e के पावर x माइनस ई के पावर माइनस एक्स का हो जाएगा स्क्वायर नीचे का काम सेट इसको मत छेड़ना बुरा मान जाएगा तो आंसर को कठिन आंसर कर देगा अब लिखेंगे दूसरा टर्म दूसरा टर्म यानी कि नीचे वाला देखो दूसरा टर्म यानी कि e के पावर x माइनस ई पावर माइनस हर डी बाई डी एक्स अवकलन ऑफ अंश अंश क्या है ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर में माइनस है है देखो हमने दूसरा टर्म लिखा पहले का अवकलन किया पहले का अवकलन किया माइनस लगा दो तो, माइनस दूसरा टर्म लिखो है ना देखो यहाँ पे दूसरा पहले टर्म का अवकलन प्लस पहला दूसरे का अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा एरर है इसको इरेज कर लेंगे दूसरा पहले का अवकलन प्लस पहला डी बाई डी एक्स दूसरे टर्म का है ना बस आपका आंसर आपके सामने है तो पहला टर्म लिखेंगे यानी कि ऊपर क्या है ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर में माइनस एक्स राइट और डी बाई डी एक्स आप सेकेंड टर्म सेकेंड टर्म क्या है नीचे वाला यानी कि ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर में माइनस एक्स आसानी से आंसर आ जाएगा आपका देखो सबसे आसान है यह सवाल देखने में भले कठिन लग रहा है मेरी मानो तो ये बहुत आसान है नीचे का जैसे था रहने दो क्या नीचे का जैसे था रहने दो है ना नीचे वाले को मत छेड़ना पूरा मान सकता है ये जैसे का वैसे रहने दो कांस्टेंट है ना बाहर रहेगा इसका अवकलन करेंगे तो e के पावर x का e के पावर x ही अवकलन होता है e के पावर माइनस एक्स का e के पावर माइनस एक्स ही होगा माइनस एक्स का करेंगे तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे बोलो ये वाला टर्म समझ में आया ये प्लस से माइनस क्यों हुआ e के पावर x का किए तो e की पावर x हुआ और e के पावर माइनस एक्स का किए तो e की पावर x एक्स माइनस एक्स करेंगे तो माइनस आ जाएगा पहले इस तरीके से ठीक है सर माइनस लगा दो इसका करो ये क्या है ई e के पावर एक्स और ई e के पावर माइनस एक्स कॉन्स्टेंट बाहर है रहने दो इसका अवकलन करेंगे तो ई e के पावर एक्स का ई e के पावर एक्स ही होगा पावर में माइनस है तो इसको कर देगा प्लस बात आई समझ में यस तो आप कहोगे सर ये देखो ये और ये दो बार है ये और ये दो बार है क्या ये और ये दो बार है ध्यान से देख लो दो बार है ये प्लस वाला भी दो बार है तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर इसका कर दो क्या स्क्वायर कर दो देखो तो ई के पावर में एक्स माइनस ई के पावर में माइनस एक्स के पावर में टू ठीक है माइनस ई e के पावर में एक्स प्लस ई के पावर में माइनस एक्स का पावर में टू ये संख्या भी दो बार थी पावर में टू कर दी ये संख्या भी दो बार में थी पावर में टू कर दिए अब आपका आंसर आ गया है ना ये सब कठिन सवाल है और आप जैसे मजबूत बच्चों के लिए है है ना सस्ते सवाल तो आप कर ही लिए होंगे अब देखो आंसर आ गया तो कैसे आएगा आंसर dy बाई डी एक्स बराबर क्या आ गया आपको सर नीचे जैसे था वैसे रहेंगे E के पावर एक्स माइनस ई e के पावर में माइनस एक्स के पावर में टू इसका पावर खोल दो तो ई का पावर इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी यानी ए स्क्वायर करेंगे प्लस बी स्क्वायर करेंगे माइनस टू ए बी टू ए का मान है ई के पावर एक्स बी का मान है माने के पावर में माइनस एक्स देखो तो ए एक स्क्वायर स्क्वायर किए तो टू एक्स हो गया बी स्क्वायर किए तो हो गया माइनस टू ए बी इसी तरह इसका इसका स्क्वायर कर दो ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि e ई के पावर टू एक्स बी स्क्वायर करेंगे तो ई e के पावर में माइनस में टू एक्स प्लस टू ए भी करेंगे टू ई e के पावर एक्स इंटू ई e के पावर में माइनस एक्स थोड़ा सा लंबा हो रहा है लेकिन आपको समझना होगा देखो अब खोल दो ब्रैकेट आपका आंसर आपके लिए परेशान था ई e के पावर एक्स माइनस ई e के पावर में माइनस एक्स पावर, एक। पावर में टू देखो अगर हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये पॉजिटिव ये ब्रैकेट खुलेगा तो निगेटिव कट जाएगा हाँ या ना कहोगे हाँ e के पावर माइनस टू एक्स पॉजिटिव में ई के पावर माइनस टू एक्स ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस हो जाएगा ना कट गया आपको हाँ माइनस दो e के पावर में x और माइनस जोड़ेंगे तो ये भी आपस में खत्म यानी केवल माइनस दो, दो बचा और इसी तरह x और माइनस ये भी आपस में खत्म केवल प्लस दो है बराहर माइनस तो माइनस दो हो जाएगा तो दो और दो कितना हो गया माइनस में चार हो गया यानी कि आपका आंसर आ गया डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस में चार ऊपर और नीचे ए के पावर में एक्स माइनस ए के पावर में माइनस एक्स के पावर में टू आई मेरी बात समझ में मेरे रसगुल्लो भाई साहब सफलता ऐसे ही नहीं मिलती है कड़ी मेहनत करनी पड़ती है है लो बोलो कि हां सर समझ में आ गया तगड़ा सवाल था ना देखो पसंद आ रहा होगा तो मैं आपसे कुछ और नहीं मांगता हूं केवल एक प्यारा सा लाइक आपका मांगता हूं कि आपको अच्छा लगता है तो लाइक किया करो है ना तो लाइक जरूर किया करो एक लाइक तो बनता है मेरे बॉस अच्छा लाइक कर लेंगे चैनल पे हमारे नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे और पढ़ो इन क्लासेस की फ्री पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाती है अभी और क्वेश्चंस हैं मैं थोड़ा सा आपको बता दूं है जो स्टूडेंट नए हैं नए वाले चेला जितने उनके लिए फ्री पीडीएफ आपको एफ आपको मिलेगी फ्री पीडीएफ आपको मिलेगी जस्ट वेल के टेलीग्राम ग्रुप में लिंक डिस्क्रिप्शन में जस्ट वेल क्लासेस है ना आपके घर में कोई भी हो पढ़ने वाला बारहवीं का स्टूडेंट उनको बताओ आपकी जिम्मेदारी है है ना जस्टवेल क्लासेस और आप हमें इस नंबर को नोट कर लो तिरासी अट्ठारह बयालीस पंद्रह तिरासी या फिर सेकेंड नंबर इक्यानवे चालीस इकसठ ग्यारह नवासी और बात करो हमसे क्या करो बात करो कॉल करो और बात करो और बोलो हमसे कि सर आपको हमारे यहाँ क्लास ज्वाइन करना है लिंक डिस्क्रिप्शन देखो क्लास ट्वेल्थ की पूरी तैयारी हो रही है है ना क्लास ट्वेल्थ की पूरी तैयारी और इतना कम फ़ीस कि आप जिंदगी में सोच भी नहीं सकते ऑफर चल रहा है और अब ये ऑफर खत्म होगा क्योंकि सारी चीजें रेडी हो चुकी हैं अब आपको बस दिल गार्डन गार्डन करके पढ़ाई करना है तो जो भी स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं आज ही अपना क्लास ज्वाइन कर लेंगे ठीक है सर प्लीज प्लीज पबजी खेलने दो डिस्टर्ब मत करो अच्छा तुम पबजी खेल रहे हो तो सब्जी ही बेचोगे <laughs> वीडियो अच्छा लगा लाइक कर लेना दोस्तों के साथ शेयर कर लेना कल शाम को चार बजे फिर से हम लाइव आएंगे इसमें एक दो सवाल आपके लिए दिया हूं आपके लिए आपके लिए है इसे आपको करना है तो कैसा लगा आज का सेशन जस्ट टेल मी आज का सेशन कैसा लगा समझ में आया मजा आया एक बार मैं आपका थोड़ा सा प्यारा सा नाम पहले रीड कर पाऊं यशर हम्म सर होमवर्क दीजिए होमवर्क इसके बाद वाला चलो ये लो एच डब्लू एच डब्ल्यू है ना बाकी क्लासेस भी आप करेंगे देखो एक क्लास सुबह नौ बजे पढ़ेंगे फिर उसके बाद आपको दो बजे से क्लासेस जा रही हैं फिर चार बजे मैं खुद लूंगा इसके बाद छः बजे चार से पांच मेरा छः बजे बायोलॉजी की फिर रात को नौ बजे ऐसे करके क्लासेस की शेड्यूल है एक बार आप व्हाट्सएप पे पूछ भी सकते हैं हम्म चलो अभिषेक निहाल पांडे यू आर बेस्ट टीचर इन मैथमेटिक्स शुक्रिया धन्यवाद आप लोग तो तारीफ पे तारीफ तारीफ पे तारीफ तो आज की सेशन को एंड करते हैं फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं एंड ऑल वेरी बेस्ट है